हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी वीवो Y53, 55 या 91i कोई भी मॉडल हो उसका जो FRP हो आप कैसे तोड़ पाओगे, वो भी आप मेरेकल 2.82 वर्जन से। तो 100% होता है आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से Y91, 91i, 93, 95 जो भी मॉडल आता है वो आप मेरिकल 2.82 का अंदर उसका FRP और उसके बाद उसका पैटर्न आप तोड़ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मैं चला जाता हूँ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। कम बैक गाइस, इस वक्त हम आ चुका है मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसका बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आज मेरा पास एक मॉडल आया है जिस मॉडल का नाम है वीवो Y91i। तो उसका जो FRP लगा हुआ है, उसका जो पैटर्न है वो लगा हुआ है। तो हम आज कंप्यूटर की मदद से यानी मेरिकल टेंडर 2.82 वर्जन जो आता है उसकी मदद से हम उसको आज FRP और इसका जो पैटर्न है वो तोड़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरा जो मेरिकल टेंडर्स 2.82 पर कभी कभी स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो 2010 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो उसका डेट है वो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। तो मैं जो लिंक आपको दूंगा, अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मेरिकल टेंडर 2.82 जो वर्जन होता है उसको मैं ओपन करूँगा। तो जस्ट यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर ओपन हो रहा है और ओपन होने देते हैं। उसके बाद मैं ड्राइवर का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहां पे देखिए बिल्कुल जो मेरा मेरिकल 2.82 जो वर्जन होता है वो बिल्कुल यहां पे ओपन हो चुका है। और आपको अभी क्या करना है, मेन सेटिंग आप समझ लीजिए। आप तुरंत ही आप कोई भी मोबाइल आप अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन उसका सेटिंग जानना बेशक ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले MTK पर सिलेक्ट करेंगे, सर्विस पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 8-bit सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल है, यहाँ पे क्लिक करके हम Y53 या यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ MTK के लिए सर्विस पर और सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक किया और इसका बाद यहाँ पे 8-bit सिलेक्ट करना है और इसका बाद यूनिवर्सल है तो यहाँ पे Y83 आपको सिलेक्ट करना है। ये जो सेफ मोड होता है गाइस, यहाँ पे इसका अनटिक कर लीजिए। तो जैसे अनटिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एडवांस FRP पर आपको क्लिक नहीं करना है, इस तरह से रहने देना है। उसके बाद जस्ट कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट पर जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करके हम हमारा जो मोबाइल है वो वॉल्यूम अप और डाउन से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फिर से और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि आपका ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर जाइए और यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। हाँ, फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो मैं जस्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा और फिर से हम अप और डाउन वॉल्यूम से हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे दिखा रहा है हमारा जो मीडिया टेक USB पोर्ट वो बिल्कुल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है वेटिंग्स फॉर USB पोर्ट। तो हम फिर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर नहीं होता है तो एक बार आप एक काम कीजिए, मोबाइल को स्विच ऑन करके ऑफ़ करके ऑन करके फिर से ऑफ़ कर लीजिए और उसका बाद ट्राई कीजिए तो 100% हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो 91i मॉडल है वो बिल्कुल यहाँ पे डन दिख रहा है, यानी ये जो फैक्ट्री रिस्टार्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया। और यही मेथड से आप 82, 83, 91 जो भी मॉडल आता है उसका आप इस तरह से FRP या आप पैटर्न को तोड़ सकते हो। और FRP को किस तरह से तोड़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से वेलकम पेज आ रहा है। यहाँ पे हम सेटअप योर फोन पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे, और इसका बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसका बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो नेट कनेक्शन है वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे और एक वाईफाई कनेक्शन देना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो लॉक का आइकन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम शो पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और कोई भी यहाँ पे एंटर करेंगे और उसको इस तरह से पकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूप सार्स लिखा रहा है, तो सिंपल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमको जाना है BNROM बिनरोम, यहाँ पे आप देख सकते हो BNROM, तो BNROM बाईपास एपीके पर हमको जाना है। और उसके बाद जाने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। सिर्फ दो ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखिए इस वक्त यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बाईपास गूगल अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 8.9.10 GAM APK वहाँ पर डाउनलोड करना है, और दूसरा आपको ऐप पर भी बाईपास APK यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे उसको भी डाउनलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया, हम डाउनलोड पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे FRP बाईपास APK पर हम उसको जस्ट इंस्टॉल करेंगे। पहले दोनों को आप इंस्टॉल कर लीजिए, पहले आप गूगल अकाउंट को आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, ओपन पर क्लिक कीजिए तो आपको पासवर्ड दिखाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड 3 डॉट है, यहाँ पे ब्राउज़र, यहाँ पे इन पर हम जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे हम ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम जस्ट उसको ऑफ करेंगे, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो जस्ट उसको रिस्टार्ट करेंगे ईमेल और पासवर्ड देके। तो मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि मेरा प्राइवेसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसको मैंने ऑफ कर लिया, तो ऑन होने देते हैं, इसके बाद थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, तो हम पहले जो यहाँ पे पैटर्न डाला था वो यहाँ पे डालेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सेटअप योर फोन पर डालेंगे, सेम यही एक ही मेथड है। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उस बार देखेंगे कि 100% हुआ है क्या नहीं। हम फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डोंट कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा अकाउंट दिखा रहा है, यानी हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल यहाँ से उड़ चुका है। तो यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट करेंगे, तो जस्ट एक सेकेंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसके बाद क्या ऑप्शन आता है हम देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नॉट थैंक्स, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, स्किप करेंगे और यहाँ पे यूज नाउ पर क्लिक करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वक्त आप देख पा रही है हमारा जो FRP बाईपास है वो बिल्कुल हो चुका है। तो आपको मैंने दोनों दिखा दिया कि किस तरह से आपको FRP बाईपास करना है, किस तरह से मेडिकल 2.82 वर्जन से आपको किस तरह से फॉर्मेट करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपका कस्टमर का मोबाइल आपने इस तरह से कर रहा है तो यहाँ पे जो फाइल आपने डाउनलोड किया है वो आप यहाँ से जाके उसको अनइंस्टॉल या डिलीट कर लीजिए। तो चलिए गाइस यहाँ पे देखिए हमारा जो दो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था और दोनों यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे और है कि यहाँ पे डिलीट कर दिया, और उसके बाद शायद यहाँ पे एक है वहाँ पे हम जाके उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डिलीट कर दिया। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो देख के आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि 91, 93, 95 जितना भी मॉडल है आप इस मेथड से वर्क कर सकते हैं। तो 100% हुआ है, कोई वीडियो मैंने स्किप नहीं किया, कोई वीडियो में कोई चर्चा नहीं किया है, आपका सामने ही सब कुछ मैंने दिखा दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।